अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, अम्मी बना रही हैं तय वाला पराठा, जिसको आप लच्छे वाला पराठा भी कहते हैं और जो भी आप कह लें। और अम्मी बहुत मज़ेदार बनाती हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो इसकी टिप ये है कि पहले अगर आप जब आप सिंपल पेड़ा करके उसको हल्का सा बेल लें, और उसमें जो है ना वो एक चम्मच सूजी आप डाल दें, और फिर दोबारा आप इसको ट्विस्ट करके जैसे अम्मी ने बनाया है पेड़ा वैसा बनाएं, तो आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। साथ अम्मी ने देसी घी रखा हुआ है बनाने के लिए, और जब भी मैं अम्मी की तरफ आती हूँ तो अम्मी मुझे जो है ना वो देसी घी ज़रूर साथ देती हैं, क्योंकि मैं मन्हा और इब्राहिम के लिए जो भी बनाती हूँ वो देसी घी में बनाती हूँ। और घर का बना हुआ जो देसी घी है, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। और साथ जो है वो नाश्ते में हम पियेंगे चाय। चाय पराठे का जो कम्बिनेशन है ना नाश्ते का, कसम से इसका कोई तोड़ नहीं है। ज़बरदस्त मज़ा। और मुझे तो जब पराठा और चाय इकट्ठे बन रहे होते हैं ना किचन में, और उनकी खुशबू होती है ना, मुझे वो इतनी पसंद है ना, मुझे वो खुशबू भी बहुत पसंद है, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे अम्मी जो पराठा बना रही हैं, और आज जो है वो हमारा लास्ट डे है अम्मी की तरफ, क्योंकि इब्राहिम की वोकेशंस ख़त्म हो गई हैं और हम इंशाल्लाह कल वापस चले जाएंगे। तो आज जो है ना वो हम गर्मा गर्म नाश्ता कर लें अम्मी के हाथ का, फिर तो वहाँ जाके खुद ही बनाना है और ख़ुद ही खाना है। तो बस अभी ये नाश्ता बन जाएगा। हम तो जी नाश्ता जो है वो हम कर चुके हैं, और ये पता नहीं क्या मेरे बच्चों को बैठे बैठे ख्याल आया कि हम ना टेबल के नीचे घर बनाते हैं, और ये साथ इनके बेबीज़ हैं और ये खेल रहे हैं, और हम भी अपने बचपन में ऐसे करते थे। कुछ चीज़ें बच्चों में कभी नहीं बदलती, चाहे वो आज के बच्चे हों या जो हमारा बचपन था वो, ठीक है। अब ये इनको टेबल क्योंकि शेड लग रहा है और नीचे इनका घर बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों अपने बेबीज़ लेके नीचे बैठे हुए हैं। तो ये जब मैं बच्चों को कुछ पुरानी हरकतें करते देखती हूँ ना जो हम करते थे, तो मुझे बड़ा क्यूट लगता है। मैं कहती हूँ यार ये देखो ज़रा, मतलब कुछ चीज़ें ना बच्चों में बिल्डिंग आती हैं, वो नफ्सियात जो बच्चों की होती है वो सेम होती हैं, चाहे वो आजकल के बच्चे हों या पुराने बच्चे हों। तो अब ये खेलते काफ़ी गंदे हो चुके हैं, कपड़े शपड़े सारे इन्होंने अपने रफ़ कर लिए थे। मेरा ऑलरेडी प्लान था कि मैंने इनको आज शावर कराना है, क्योंकि कल मॉर्निंग का जो ट्रैवल का प्लान था, और वैसे भी ना थ्रू ट्रेन हमने आना है वापस, तो ट्रेन में एसी बहुत तेज़ होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इनको एक दिन पहले शावर करा दूँ, ताकि इनको जो है ना वो ठंड ठंड का इशू ना हो, क्योंकि सर्दियाँ आजकल इस वजह से। तो अब यहाँ पे ये शावर कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने टब से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अम्मी ने इनको इतना जो है ना वो इंटरटेन कर दिया टब के अंदर। अम्मी ने इनको फोम बना के दी थी और साथ ये टॉयज, तो मेरा नहीं ख्याल कि आराम से ये रोए बगैर यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो चलो खैर ये इंजॉय कर लें, फिर बाकी का बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये अब दोनों शावर कर चुके हैं, और अब मैं इनको जो है ना वो फीडर इनको दे दिया है, ताकि ये आराम से ज़रा कूजी होके सो जाएं। और ये देखना ज़रा इब्राहिम के काम, शर्ट ऊपर कर ली मैंने, लाइट्स ऑफ कर दिए हैं, कर्टन आगे कर दिया है, अब ये सो जाएंगे। तो फिर मेरा प्लान है कि मैं आज अम्मी से अपने बालों में डाई लगवा लूँ, और आज फर्स्ट टाइम अम्मी मेरे बालों में डाई लगाने लगी हैं। तो आई डोंट नो कैसा रिज़ल्ट आता है और क्या हम ठीक से लगा पाते हैं या नहीं, तो लेट्स सी जी। तो ये लॉरियल का जो है मैं हेयर कलर लेके आई हूँ, मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था कि लॉरियल का बहुत अच्छा होता है, और इसमें दो तीन टाइप्स आती हैं, लेकिन जो लॉरियल का ये एक्सलेंस क्रीम वाला है ना, ये उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर उन्हें डिफरेंट शेड दिए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप शेड ले लें। मेरे चूँकि बाल ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान से जो है वो करवाए थे कलर्ड, तो मैं उसके जो नियरेस्ट टोन है वही वाली लेके आई हूँ, ताकि उसे मिलता जुलता रिज़ल्ट आए। और अभी यहाँ पे मैंने बॉक्स ओपन किया है, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी इसकी कि इसके साथ जो एक्सेसरी थी वो बहुत अच्छी थी, कि आपको जो है ना एक तो ये कंडीशनर साथ आया है, और इसकी क्वांटिटी इतनी थी कि आप दो टाइम इजीली लगा सकते हैं अपने बालों में, ठीक है जी। और ये जो थी ये इसकी कलर क्रीम है, ठीक है जी, ये आपने मिक्स करनी है जो बॉटल है दूसरी वाली उसमें, और ऊपर वैसे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर आपको ना भी समझ आए तो जो अंदर इनका पूरा जो पेपर आता है साथ, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, वो पढ़ लें। और यहाँ मैंने भी निकाल के रखी हैं सारी चीज़ें, और आप देख सकते हैं सबके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं को तरतीब से रख लेती हूँ, ठीक है,
ये वन है, इसके बाद ये टू, थ्री और फोर। जो वन है ये हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम है, ये आपने सबसे पहले लगाना है अपने बालों में, ठीक है। उसके बाद जो ये टू है ना, टू, इसको आपने मिक्स करना है थ्री के अंदर, शेक कर लेना है बाद में। वो जो पीछे आपको साथ हेयर कॉम नज़र आ रही है वो आप लगा लेंगे। और जो नंबर फोर है वो सिंपल आपका कंडीशनर है, उससे आपने बाद में बाल वॉश करने हैं। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो पहले आप पूरा अच्छी तरह से अंदर ये इनवेलप जो पेपर है जो भी, इसको आप पढ़ लें, इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। और जो है ना, मैंने तो इसको जो है मैंने देख लिया था अच्छी तरह कि किस किस तरह करना है। और जो है ये इसकी बॉटल है, इसकी मैं सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके ऊपर जो कैप है ना कॉम के साथ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, वो आपको लगाने में इतना ईजी है। अच्छा, इसको जब आपने टू को थ्री में मिक्स करना है ना, उसके बाद आपने शेक करना है। जब आप शेक करेंगे ना तो ये जो ऊपर नोज़ल है ना, ठीक है, उसको आपने हल्का सा लूज़ कर देना है, क्योंकि जब आप शेक करते हैं तो दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो थोड़ा सा कलर बाहर ब्रस्ट होता है, ठीक है। तो टू बी ऑन सेफ्टी साइड आपने उसको हल्का सा वो करना है, ताकि ये ना हो कि जब आप चेंज करने लगें, आप कॉम लगाने लगें तो आपका पूरा पूरा कलर जो है वो बाहर गिर जाए, ठीक है जी। ये मैंने सोचा मैं आपको बिफ़ोर दिखा दूँ, वैसे पीछे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मे बी आपको एग्जैक्टली पता ना चले। तो कुछ जो है वो मेरे बाल लाइट ब्राउन हो चुके थे, और जो लाइट थे वो ऑलरेडी आप कह लें कि बिल्कुल ही जो नहीं होता एश ब्राउन, वो शेड हो चुका था मेरे बालों में। तो अब जो है ना मैं रूट टचअप करती हूँ। बेसिकली मेरे बाल बहुत सड़े हुए लग रहे हैं, ना मैंने उनको स्ट्रेट किया हुआ है और ना कुछ। तो जी अब यहाँ पर अम्मी ने प्रोटेक्टिंग सीरम लगा दिया मेरे बालों में, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर कॉम वाला जो कैप है वो लगा लिया है, और अब जो है ना अम्मी से वो लगाएंगी। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो हमने जल्दी जल्दी बस ये काम किया है, ठीक है। अब ये अम्मी इस तरह है ना वो सेक्शन करके बालों में, तो मेरा पूरा नीचे तक कलर लगा रही हैं। और फर्स्ट टाइम अम्मी लगा रही थी मेरे बालों में, लेकिन यह कि अम्मी ने बहुत अच्छा लगाया था, और अम्मी ने अच्छे तरीके से अम्मी ने लगाया था कलर, क्योंकि तो ये जो है वो आफ्टर ड्राई है, ठीक है। तो ये अगेन सिर्फ मैंने बस वॉश किया है और ड्राई हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ना मैंने उनको ब्लो ड्राई किया है, ना उनको स्ट्रेटनर किया है, तो इसलिए बहुत सड़े हुए लग रहे हैं। और वैसे जब आप अपने बाल ड्राई करते हैं तो सड़ ही जाते हैं बेसिकली, तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि बिला ज़रूरत अपने बालों को आप डाई ना करें, उनको नेचुरल रहने दें तो वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी सिस्टर के पास बैठ गई थी थोड़ी सी गपशप करने के लिए, इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बेसिकली, तो अम्मी मुझे ज़्यादा इनके पास बैठने नहीं देती, खासकर रात के टाइम। तो सुबह क्योंकि मैंने जाना था तो मैंने कहा यार थोड़ी देर बैठ के हम गपशप लगा देते हैं। और ये बेचारियाँ जो है ना बस इस कमरे में ही, इनके मैट्रेस हैं यहीं पर, इनके ब्लैंकेट्स हैं यहीं पर, खाना पीना और यहीं पर इन्होंने जनाब सो जाना है। तो मैं उनको तंग कर रही थी, मैं कहा दिखाओ ना ज़रा, मैं तुम लोगों को देखूँ तुम लोग किस तरह बैठ के पढ़ते हो। तो बल्कि तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि जब हम लोग भी स्टडी करते थे तो अम्मी को होता था कि ज़रूरत की हर चीज़ जो है ना मैं इनको कमरे में ही जो है ना वो दे दूँ, पानी वगैरह ये वो, तो बस खाने के लिए हम बाहर निकलते थे और फिर वापस जो है ना कमरे में बंद हो जाते थे। तो इन्होंने भी ना हर चीज़ इवन कि ये जो शानदार और कॉफ़ी रखी हुई थी कि हमें नींद ना आए साथ और ये सब चीज़ें इस तरह की। खैर चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।